हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत मेरी पूजा के साथ। तो रोज़ का मेरा काम होता है नहा धो के पूजा करना, उसके बाद ही घर के सारे काम निपटाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं हूं अजिता, यूपी के एक छोटे से ज़िले सुल्तानपुर से, और मैं हूं एक सरकारी स्कूल में टीचर। और मेरी एक छोटी सी है बेटी जिसका नाम है सावनी, बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन अब मेरे बच्चे तो माँ के लिए हमेशा छोटे ही होते हैं। तो हो चुकी मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह मेरे पूजा के साथ। मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के पूजा ही करती हूँ, उसके बाद घर के सारे काम निपटाती हूँ। तो जहाँ पे भगवान जी होते हैं वहाँ पे मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, बाकी घर में तो झाड़ू पोछा होता ही, लेकिन उतनी दूर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, उतनी दूर मैं कपड़े से ही झाड़ के कपड़े से पोछा लगाती हूँ मंदिर के आसपास अपने। इधर मैं पूजा कर रही थी और नहाने जाने से पहले मैंने फ्रिज से भिंडी निकाल के धुल के रख दी थी और सावनी से कहा था कि इसको काट के रखना, पूजा करने के बाद कपड़े छत पे डालने चलेंगे हम दोनों। कपड़े डाल के आएंगे फिर मशीन में दोबारा कपड़े लगाऊंगी, उसके बाद मैं भिंडी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। सावनी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, भिंडी ऐसी बनी हो कि बिल्कुल कुरकुरी ना हो, वो एकदम हरी हरी रहे और मुलायम हो। कुछ बच्चों को तो कुरकुरी भिंडी पसंद होती है, लेकिन सावनी को कुरकुरी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बस भिंडी हरी हरी रहे और बस पकी रहे। तो मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने मशीन में एक बार कपड़ा लगाया था उसको निकाल दिया है, और हम माँ बेटी गए थे छत पे कपड़े फैला के आ गए हैं, और फिर दोबारा मैं कपड़े मशीन में लगा रही हूँ। तो आजकल वोल्टेज बहुत कम आ रहा है तो कपड़े धुल नहीं पा रहे मशीन में, ज़्यादा करके कपड़े मैं हाथ से ही धुल रही हूँ। जब से मैं सिक्किम से आई हूँ ज़्यादा करके कपड़े मैंने हाथ से ही धुले, क्योंकि मशीन चल नहीं पाती है, थोड़ी देर चलती है और फिर रुक जाती है। उधर सामनी ने भिंडी काट ली है और उसने रख दिया है किचन में, उसको सब्जी काटना उसे बहुत अच्छे से आता है, मम्मी के साथ रहते रहते बहुत ज़्यादा काम सीख गई है। बहुत अच्छे से बारीक बारीक भिंडियाँ उसने काटी हैं। मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, अब उसमें डालूंगी हरी मिर्च, जीरा, लहसुन, प्याज और भिंडी, बाकी कुछ भी नहीं पड़ने वाला। बस पिसी धनिया डालूंगी थोड़ी सी और नमक, केवल सादी भिंडी अगर कुछ डाल दूंगी तो फिर सावनी को कुछ खाना नहीं है। बस बन जाएगी मेरी फटाफट भिंडी और उसके बाद मैं बना लूंगी अपनी रोटी, और हम लोग का हो जाएगा आज का नाश्ता। फिर नाश्ता करने के बाद सावनी को चले जाना है सरगम के यहाँ, साची सरगम का फ़ोन आ चुका था मॉर्निंग में ही, वो दोनों बुला रहे थे। मैंने कहा नाश्ता कर लो उसके बाद फिर जाओ, उनकी दोनों बेटियाँ हैं साची सरगम, तो पास पास घर होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बच्चों को एक दूसरे के पास चले जाते हैं और खेल भी लेते हैं, उनका अच्छे से टाइम स्पेंड हो जा रहा है छुट्टियों का। नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, भिंडी की सब्जी, रोटी, साथ में दही। तो दही में हम लोग खाते हैं नमक, चीनी बहुत कम खाते हैं, नमक ही डाल के मुझे ही पसंद है, सावनी को भी पसंद है और सुनील को भी पसंद है, तीनों लोग नमक खाते हैं हम। इसके बाद सावनी तो जाने वाली है अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए, और मुझे करनी है अभी घर की साफ़ सफ़ाई, झाड़ू पोछा लगाना है, कपड़े छत्ते फैलाने हैं, हटाने हैं, तो बहुत काम है। सिक्किम से जो ट्रॉली बैग लेके आई थी आज उसको भी एडजस्ट करना है, बैग खाली हो चुका है, उसके सारे कपड़े धुले जा चुके हैं, लेकिन अब उसको रखने की जगह मुझे नहीं समझ में आ रही कि कहाँ रखूँ। तो चलिए देखिए अभी कहाँ रखते हैं उसको हम, अभी कुछ सफाई भी करनी है, जाले बहुत ज़्यादा लग गए हैं तो जाले झाड़ूंगी, इसके बाद फिर बैग को एडजस्ट करूँगी मैं अपना। Thank you.
मुझे अपनी अलमीरा के ऊपर सफाई करनी है क्योंकि बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है। तो पहले मैंने इसको डस्टर नीचे पड़ा है, देखिए बहुत ज़्यादा जाले लगे थे, डस्टर से साफ़ कर लिया है। क्योंकि इस अलमीरा के ऊपर मैं ये दोनों अपने ट्रॉली बैग रखने वाली हूँ, नीचे मेरा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो मैंने झाड़ू में ये सुनील की पुरानी बनियान लगाई है और इसी से अब इसके ऊपर मैं पोछूंगी, क्योंकि झाड़ने का काम तो मैंने डस्टर से कर लिया है लेकिन मुझे पोछना है। कैसे जुगाड़ लगाया, झाड़ू में मैंने इनकी ये पुरानी बनियान लगाई है और अब इसी से इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी। और सीरियसली बहुत अच्छा आइडिया है, डस्टर तो बेकार हो गया, डस्टर तो केवल मैंने जाले झाड़े और ये पूरा अच्छे से इसके ऊपर मैंने पोछ लिया है। ये ट्रॉली ना मुझे इसी के ऊपर शिफ्ट करनी है क्योंकि इसके नीचे बहुत जगह ले ली है मेरी और मेरे पास और जगह भी नहीं, कहाँ रखूँ, ये कैसे जाएगी इसके ऊपर। अच्छा है, लंबे होने का एक फायदा होता है कि अपना काम खुद कर सकते हैं। लंबी ना होती तो सुनील का इंतजार करती कि सुनील आए तो फिर मैं रखूँ, लेकिन लंबी हूँ। हाँ, दोनों ट्रॉली मैंने ऊपर रख दी है, देखो लंबे होने का फायदा मुझे मिला। अगर मैं लंबी ना होती तो बिल्कुल ना रख पाती, सुनील का वेट करती कि सुनील आए आए आए, तो अभी तक हमारी ट्रॉली का टैग नहीं निकला था। लगा रहने देते हैं। और ये सारे मैगनेट्स जो मैं लेके आई थी फ्रिज मैगनेट्स, तो भी मैंने अपनी सलमीरा पे लगा रखे हैं, सामने नहीं फिलहाल लगाए हैं। अब फटाफट और पोछ लेती हूँ। ये अच्छी ट्रिक थी कहीं ऊंचाई पे सफाई करने की, पूरा जाला लग गया। आज मेरा एक बहुत जरूरी काम हो गया, इसको मैं बहुत दिन से सोच रही थी, जब से आई थी सिक्किम से तब से सोच रही थी कि इसको मुझे ऊपर रखना है रखना है, और पूरा स्पेस मेरा खाली हो गया नीचे। ये डस्टर से झाड़ने के चक्कर में सामने के खिलौनों के ऊपर भी जाले आ गए थे। शाम के बज गए हैं 6:30, सुनील आ चुके हैं, सावनी लेकिन अभी तक अपनी मौसी के घर से नहीं आई है, तो लेके आए हैं ये सेब। सुनील को किसी ने दिया है, उड़ीसा का सेब है, ग्रीन ग्रीन पूरा, भी हम लोग उसको खा के देखेंगे कि ये खाने में है कैसा। ये देखिए कितना प्यारा है, पूरा गुच्छे में ही तोड़ लिया है। ये छोटे में क्या ऐसे ही होता है सेब, क्या सेब की कोई वैरायटी है भैया। मेरा जूस मौसी वाला आ चुका है, मैं इसको खाली कर लेती हूँ पहले फटाफट। इसमें है दूध, सावनी की चॉकलेट। सुनील लेके आए हैं चाय के साथ खाने के लिए लहिया चना, तो उनका लहिया चना निकाल के मैं उन्हें दे रही हूँ, तब तक वो खाएंगे और जब तक मैं अपना जूस पी के उनके लिए चाय बना दूंगी। तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं अपना जूस पीऊँगी, सुनील के लिए केवल चाय बनेगी। सावनी तो है नहीं, अपनी मौसी के आई है वो। इवनिंग वॉक पे दीदी के साथ जाती हूँ, कोई ना कोई मिल जाता है, तो दीदी की मिल गई सहेली। दीदी इनको दीदी कहती है, तो मुझसे कह रही है कि मैं आपका वीडियो ज़रूर देखती हूँ, मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझसे कोई कहता है कि आपका वीडियो मुझे अच्छा लगता है। तो टहल के मैं आ चुकी हूँ, टहलने के बाद बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेशनेस फील होती है, शरीर हल्का हल्का सा लगने लगता है। तब चल रही मैं डिनर की तैयारी करने के लिए। तो ये लौकी जब मैं अम्मा को देने गई थी उनका गिफ्ट, तो अम्मा ने दी थी, खेत में लौकी हुई है बहुत ज़्यादा इस बार,
लौकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मोटी थी, मुझे लगा सॉफ्ट नहीं होगी लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आधी मैं रख दे रही हूँ, आधी बना ले रही हूँ। सावनी तो आई नहीं वहाँ से, अपनी मौसी के यहाँ से, अपनी बहनों के साथ कुछ गुपचुप वार्ता में लगी होगी, उसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो अभी हम मैं और सुनील केवल हैं, तो मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी और रोटी, तो ये हो जाएगा आज का डिनर। तो गर्मी में आजकल बस ऐसे ही हल्का फुल्का ही खाना बन रहा है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला आजकल हम लोग बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, बस हरी सब्जियां ही खाई जा रही हैं। रात में तो बिल्कुल ही हल्का खाना हम लोग खा रहे हैं। तो बस कुछ इस तरीके से बीता आज का मेरा दिन। कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सभी को नमस्ते।